बीजेपी के लिए पेंच फंसा तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे रविंद्र भाटी। रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने बड़ी चुनौती बने हैं। ऐसे में भाटी के अमीन खान से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अमीन खान से भाटी की मुलाकात का मतलब कहीं न कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करना है। बाड़मेर सीट लोकसभा चुनाव में वैसे भी चर्चा का विषय रही। इसी सीट पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, कांग्रेस के उमेदाराम बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी भी मैदान में रहे। अगर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पेच फंसता है तो जाहिर है रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस को सपोर्ट दे सकते हैं। हालांकि 4 जून को नतीजे आने के बाद ही इस सीट की स्थिति साफ हो पाएगी। सस्पेंड किए गए अमीन खान के लिए रविंद्र सिंह भाटी ने कह दी ये बड़ी बात। हाल ही में कांग्रेस ने शिव विधानसभा से पूर्व विधायक अमीन खान को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। 6 साल के लिए पार्टी से उन्हें निलंबित किया गया। अमीन खान पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी के विरोध में काम किया। विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो कांग्रेस के अमीन खान के खिलाफ रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे थे और इस दौरान रविंद्र सिंह भाटी की जीत हुई। चर्चा इस बात की भी है कि रविंद्र सिंह भाटी से अमीन खान चुनाव हारने के बाद भी लोकसभा चुनाव में भाटी का सपोर्ट कर रहे थे। अब अमीन खान के कांग्रेस से निष्कासन पर रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि ये तो उनका प्रेम है कि 50 साल की राजनीतिक करियर को दांव पर लगाकर उन्होंने मेरी यानी भाटी की मदद की। उनका एहसान मैं ता उम्र भूल नहीं पाऊंगा। जब भी मौका मिलेगा उनके और उनके परिवार के लिए जरूर मदद करूंगा। बहरहाल रविंद्र सिंह भाटी ने अमीन खान के साथ की फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राजस्थान का सियासी पारा और भी ज्यादा हाई कर दिया है। स्पेशल डेस्क द पीके टाइम्स न्यूज़।